कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अपने बर्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीजी पर प्लॉट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिले सबसे पहले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपका भाई को फिर आज देख रहे हैं वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ, एक नई प्रोग्रेस वीडियो के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको 60 पेयर से एक और नई प्रोग्रेस दिखाने वाले हैं। कल हमने आपको दिखाया कि इसमें से हमने बच्चे जो पकड़े हैं माशाल्लाह से कैसे लगे आप लोगों को, और कुछ बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे छोड़े भी हैं। तो आप जो है, मैं आप लोगों को प्रोग्रेस दिखाने वाला था कि मैं सोचा भाई आप लोगों को प्रोग्रेस दिखाऊं, क्या प्रोग्रेस चल रही है। काफ़ी दिनों का हम लोगों ने भी प्रोग्रेस नहीं देखी है यहाँ की, और काफ़ी गंदगी भी हो गई है मटकियों के अंदर। तो इंशाल्लाह परसों के दिन हम लोग जो है यहाँ की पूरी मटकियाँ जो हैं सफाई भी करनी है, जिनमें फर्टाइल अंडे हैं उनके फर्टाइल अंडे हम रहने देंगे, जो अनफर्टाइल उनको निकाल के फेंकेंगे बाहर। और डेड इन सेल जो है इस टाइम हो रहा है, ह्यूमिडिटी की वजह से डेड इन सेल हो रहे हैं और सबके पास ये मसला आ रहा है डेड इन सेल का। तो हमारे पास भी ये मसला आ रहा है क्योंकि हमारा तो कमरे के अंदर है, तो ज़्यादा डेड इन सेल का मसला हमें आ रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं है, इसकी वजह से जो है डेड इन सेल का मसला ज़्यादा आ रहा है हमारे पास। तो बाकी अल्लाह ताला की तरफ से कब तक ये इंशाल्लाह किसी दिन मौसम अच्छा होगा तो ये डेड इन सेल होना भी बंद हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोग्रेस वीडियो पसंद आएगी। तो आप चलते हैं प्रोग्रेस वीडियो की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं। और गुजारिश यही है, अगर बहुत सारे लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो यार जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ऐसी बात नहीं करो, लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो यार, लाल बटन दबा दो, प्रेस कर दो ताकि वीडियोज़ आप लोगों को फ्यूचर में मिलती रहें इंशाल्लाह। तो चलिए प्रोग्रेस वीडियो की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से प्रोग्राम शुरू करते हैं। बहुत सारी मटकियों में मैंने नेस्टिंग निकाल दी थी, मैंने सोचा था इनको रेस्ट दे देता हूँ थोड़े दिन के लिए, लेकिन उन्होंने पता नहीं दूसरी मटकियों से निकाल के नेस्टिंग भी भर ली है थोड़ी थोड़ी सी। कुछ मटकियाँ आप लोगों को खाली में नज़र आएंगी, अब देखते हैं। यहाँ देखिए माशाल्लाह पहला बच्चा हैच हो गया और चार अंडे बाकी हैं। ये देखिए अभी खाली है, इसमें से मैंने नेस्टिंग निकाल ली थी। यहाँ पे देखिए एक बच्चा मरा हुआ है और दो अंडे हैं, इसको हम कल सफाई कर देंगे। यकीनन दो अंडे मुझे अनफर्टाइल लग रहे हैं। यहाँ पर क्या है मुझे नज़र नहीं आ रहा इसमें क्या है, आप लोगों को आई होप नज़र आ गया होगा इसके अंदर क्या है। बच्चे हैं मेरे ख्याल से, इसके अंदर कितने बच्चे हैं मुझे नज़र नहीं आए। बाकी ये वाली मटकी हमेशा ऊपर देते हैं, अब इसमें देखते हैं इस बार क्या है, बच्चे हैं अंडे हैं। वैसे तो इसमें से बच्चे निकल के जा चुके हैं, अब नए अंडे आ गए होंगे या नए बच्चे आ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, पांच अंडे हैं जिसमें से चार फर्टाइल हो चुके हैं और एक अभी अनफर्टाइल है, मुझे लग रहा है कि ये अनफर्टाइल ही होगा। तो पहली रॉ हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब दूसरी रॉ की तरफ चलते हैं। ये देखिए दो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, इनको भी इंशाल्लाह हम पकड़ लेंगे जल्द। ये तीसरा भी आ गया तो इंशाल्लाह इनको पकड़ लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पर एक मेल बैठा हुआ बड़े मज़े से, ये निकल गया और पहला बच्चा इसमें से माशाल्लाह हैच हो चुका है। चार अंडे बाकी हैं अभी, ये खाली है। यहाँ पे पहला बच्चा हैच हो गया है और तीन अंडे फर्टाइल हैं और एक अनफर्टाइल है। यहाँ चार अंडे नए हैं, यहाँ पे पांच अंडे हैं माशाल्लाह से। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे चूहियों ने अटैक कर दिया है, ये हम लोग से गलती हो गई। ये देखें दोस्तों, चूटियाँ ने हमारी बर्बादी शुरू कर दी है। जल्दी से यहाँ पे कूपैक्स जो हमारे पास पड़ा हुआ है इंशाल्लाह यहाँ पे कूपैक्स डालते हैं, और मैं आप लोग इससे ही प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगा कि चूटियाँ कैसे बर्बादी करती हैं। चलिए अब दूसरी मटकी से चलते हैं, उससे पहले दूसरी उसमें जाएँ। देखिए यहाँ पर मैंने खाली छोड़ा था, यहाँ अंडे दे दिए, लेकिन यह तीनों अंडे अनफर्टाइल होंगे। यहाँ पे हैचिंग स्टार्ट हो गई है, दो बच्चे हैच हुए हुए हैं और तीन अंडे बाकी हैं। यहाँ पे देखें चार अंडे मौजूद हैं, यहाँ पे एक बच्चा है और एक अंडा है। यहाँ पे पांच अंडे हैं, यहाँ पे देखें एक बच्चा मरा हुआ है। तो तीन लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, चौथी लाइन की तरफ चलते हैं। ये देखें मैंने खाली की हुई थी, ये भी खाली है। ऐसी जितनी मटकियाँ हैं सारी हम लोग सफाई कर देंगे, बिल्कुल साफ करके डालेंगे। यहाँ देखिए माशाल्लाह हैचिंग स्टार्ट हुई भी है, चार बच्चे, चार से पांच बच्चे निकले हैं। ये देखिए यहाँ पे भी तीन अंडे हैं बैठे हुए मादी। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह सात अंडे हैं, सातों के सातों फर्टाइल है माशाल्लाह से। यहाँ पे तीन अंडे हैं, यहाँ पे
खूबसूरत माशाल्लाह पाइट जैसा बच्चा बैठा हुआ है। यहाँ पे हैचिंग स्टार्ट हुई भी है। यहाँ तीन अंडे हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंडे हैं। यहाँ पे एक अंडा है, ये खाली है। यहाँ देखिए अंडे माशाल्लाह से काफ़ी सारे 10 के करीब अंडे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अंडे हैं। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंडे हैं। यहाँ एक अंडा है, यहाँ एक अंडा है, यहाँ पे 3 अंडे। तो हम लोग जब परसों यहाँ पे सफाई करेंगे, यहाँ पे जितने भी अनफर्टाइल अंडे सारे फेंक देंगे और फर्टाइल छोड़ देंगे, और सारी नेस्टिंग हम लोग निकाल देंगे यहाँ से, बिल्कुल खाली कर देंगे। थोड़ा सा पिंचों का रेस देंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर सारी नेस्टिंग हम लोग ज़मीन पर डाल के सभी घोंसला बनाएंगे नया। ये भी खाली है। यहाँ पे देखें 2 बच्चे 3 बच्चे हैं यहाँ पे। देखें 3 बच्चे हैं। यहाँ पे भी 3 से 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे एक अंडा है। यहाँ पे 5-6 बच्चे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं माशाल्लाह से। यहाँ देखें, यहाँ पे ये खाली थी इसलिए अंडे दे दिए थे। यहाँ पे, यहाँ पे अंडे हैं माशाल्लाह से, खाली है ये। यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह निकले हुए हैं। फीमेल बैठी है पाइट की। ये खाली है, ये भी खाली छोड़ी हुई थी। यहाँ पे देखे अंडे हैं। देखिए गंदगी की वजह से अंडे से सारे ख़राब हो रहे हैं। ये 2 अंडे हैं। यहाँ देखें एक के ऊपर एक अंडा दिया हुआ है, और यहाँ पे बच्चे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रोग्रेस, और मेरे अंदाजे से यारी प्रोग्रेस इतनी मज़े की नहीं है, और यकीनन ये गर्मी की वजह से हुआ हुआ है, और कुछ हमारी गफलत की वजह से, हमने नेस्टिंग की वजह से जो है इतनी ख़ास ब्रीडिंग नहीं आई हुई है। तो इंशाल्लाह हम लोग जब परसों सफाई करेंगे तो हमारा काम यही होगा कि हम लोग जितने भी अंडे फर्टाइल हैं उनको हम लोग जो है रखेंगे, और जितने भी अनफर्टाइल हैं उनको हम सब फेंक के मटकियाँ जो जो हमारी खाली हैं जो कुछ भी नहीं है सारी नेस्टिंग हम लोग निकाल लेंगे, बिल्कुल खाली कर देंगे नेस्टिंग, और उसके बाद बिल्कुल हम लोग ज़मीन पे नई नेस्टिंग डालेंगे इंशाल्लाह। खुद ब खुद ये लोग घोंसला बनाएंगे इंशाल्लाह, और फिर जो इंशाल्लाह ब्रीड आएगी वो प्रॉपर होगी, और ये चूटियों वगैरह का इंतज़ाम भी हम लोग करते हैं इंशाल्लाह। और इस पर भी मैं प्रोग्रेस वीडियो बनाऊंगा कि चूटियाँ किस तरीके से नुकसान करती हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी प्रोग्रेस वीडियो इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को जितनी भी आई है पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह नेस्टिंग करते हुए दिखाऊंगा किस तरीके से इंशाल्लाह नेस्टिंग करेंगे पीछे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और प्रोग्रेस वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे हमें कमेंट में बताएं। और वैसे मेरे लिहाज से इतनी मजे की प्रोग्रेस इस बार नहीं आई है जैसे हमेशा आती है, और थोड़ी सी मटकियों की गंदगी की वजह से इस तरीके से हुआ है। रमज़ान में हम लोग बिल्कुल टाइम नहीं दे पाया। इंशाल्लाह हम लोग अभी परसों इंशाल्लाह संडे वाले दिन हम लोग इंशाल्लाह यहाँ की पूरी सफाई सुथराई करेंगे, और सारी मटकियों से घास निकाल के फेंक देंगे, और इंशाल्लाह नई घास देंगे इनको, और इस बार ये खुद से घोंसला बनाएंगे, हम लोग नहीं बना के देंगे, बहुत थोड़ी थोड़ी सी डाल देंगे, बाकी इन लोग इंशाल्लाह खुद बनाएंगे, और बिल्कुल सफाई सुथराई करके, और जो है इसके बाद जो है हम लोग पिंचेस दोबारा से डिलीट करेंगे, और छुट्टी वोटियों का इंतज़ाम भी हम लोग करते हैं इंशाल्लाह। और ऐसी बात हम लोग वीडियोज़ बनाने वाले हैं, अगर हम लोग ही गलतियाँ करेंगे तो यकीनन आप लोग के पास भी गलतियाँ होंगी, तो हम लोग कोशिश पूरी यही करेंगे कि ऐसी गलती हम लोग ना करें, और इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि चूटियाँ किस तरीके से
पूरी बर्बादी कर देती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।